हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। अकोला महाराष्ट्र में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा एक हॉस्पिटल है जहाँ हम मेंटल पेशेंट को, मनोरुग्णों को यहाँ दाखिल करते हैं, उनको रिश्तेदारों के साथ में रखते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल जो है वो रिश्तेदारों के अलावा उनको हम भर्ती करते हैं। बिना रिलेटिव हम उनको भर्ती करते, उनका इलाज करते हैं। हमारा संकल्प है कि मानसिक स्वास्थ्य हर एक को मिलना चाहिए और व्यसन मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए काफ़ी अलग अलग मानसिक बीमारियों की वीडियो में डालते रहता हूँ और कुछ मोटिवेशन वीडियो डालता हूँ, जिससे कि लोगों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपके अंदर जो एक ब्रह्म राक्षस है, और मैं ब्रह्म राक्षस बोल रहा हूँ मतलब एक अच्छे टोन में बोल रहा हूँ, अच्छे मीनिंग से बोल रहा हूँ, उसको जगाने का है। वो कैसा जगाने का? क्या ना कि एक व्यक्ति मतलब रास्ते से जा रहा था, तो वहाँ रास्ते के साइड में एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था। तो वो संगमरवरी जो पत्थर है मतलब मार्बल है, वो मार्बल्स की मूर्ति बना रहा था, और उसके हाथ में चिन्नी हथौड़ा था, और चिन्नी हथौड़े से वो मूर्ति बना रहा था। तो उसको पूछा गया कि तू अच्छी मूर्ति बनाता है? तो उसने बोला कि नहीं, मैं मूर्ति बना नहीं रहा हूँ। बोला भाई, मूर्ति तो अच्छी बना रहा है, उसको पूछा मूर्ति अच्छी बना रहा है, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी मैं देख रहा हूँ कि मूर्ति बना रहा है। बोले मैं मूर्ति बना ही नहीं रहा हूँ। फिर उसको पूछा भाई तू कर क्या रहा है? बोले कि वो जो मार्बल है, संगमरवर है, उसमें जो चीज़ नहीं होना वो चीज मैं छन्नी हथौड़े से निकाल रहा हूँ। जो नहीं होना वो निकाल रहा हूँ। भगवान तो अंदर बैठा है, वो बाहर आ जाएगा। मतलब इसका ये होता है कि हमारे दिमाग में भगवान अंदर ही है। बहुत बड़ा बहुत बड़ी ताकत हमारे अंदर है। हुआ क्या है कि हमने हमारे में बहुत बैरियर्स है ना, बहुत हमने हमारे अतीत से, हमारे भूतकाल से, उसमें बहुत सारा मतलब कचरा जमा करके हमने रखा हुआ है, और इसलिए फिर हम बोलते हैं कि मुझे ये सम्मोहन है, मुझे वो सम्मोहन है, मुझे ये मतलब पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। हमारे अंदर बहुत बड़ा जायंट है, बहुत बड़ा गॉड है, बहुत बड़ा भगवान है, बहुत बड़ा अल्लाह है, कि जो कुछ भी कर सकता है और हमारे लिए कुछ भी संभव है। हमने उसको जगाया नहीं, हमने उसको सुला के रखा हुआ है, और फिर उसमें प्रॉब्लम होता है। हमको ये देखना है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, और वो हमको जो बैरियर्स है, जो बीच में आ रहा है, उसका जो आत्म अभिव्यक्ति पूरी होना चाहिए, उसमें जो बीच में आ रहा है उसको उसको दूर करना, और उसको पूरा जो है वो अभिव्यक्त तो उसको होने देना, ये बहुत काम है, ये बहुत जरूरी है, वो हमारा काम है। दूसरा होता है कि हम जो डिसीजंस लेते हैं रोज के जीवन में, वो डिसीजंस हमने फटाफट लेना चाहिए। होता क्या है कि हम डिसीजन लेते नहीं। हमको एक बीमारी है, वो बीमारी है कि भाई आगे बाद में करेंगे, आगे करो, आगे करो, आगे करो, और वो आगे करो करने से क्या होता है कि हम डिसीजन लेते नहीं, बाद में लेंगे। उसमें मतलब ऐसा पाया गया है कि सफल जो लोग हैं वो डिसीजन फटाफट लेते हैं। होगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होगा कि हम चूक जाएंगे, हमारी गलती हो जाएगी, नुकसान हो जाएंगे, पर कम से कम डिसीजन लेके आगे तो बढ़ो। हमको जो फियर ऑफ फेल्यूर है, असफलता का डर, उससे हम डिसीजन लेते नहीं और उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। तो हमने फटाफट डिसीजन लेना है कि असफल लोग जो है वो डिसीजंस कम लेते हैं, सफल लोग डिसीजंस ज़्यादा लेते हैं, हमको मालूम पड़े। फिर नेक्स्ट जो है कि हमारी इच्छा बहुत है, बहुत इच्छा। सफल लोग और असफल लोग, इसमें फ़र्क ये है कि सफल लोग जो है उनकी इच्छा है, असफल लोगों की भी बहुत इच्छा है, मगर सफल लोगों की जो इच्छा है उसके ऊपर वह एक्शन लेते हैं। उनकी जो वांट है, उनको जो चाहत है, उसके ऊपर वह एक्शन लेना चालू कर देते हैं। असफल लोग उसके ऊपर एक्शन लेते नहीं है। समझो मुझे कुछ काम चाहिए, जैसा मुझे सवेरे उठना है, सुबह उठ के मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे फिटनेस मेरा रखने का है, ये मेरी इच्छा है, मगर फिर उससे फायदा क्या है? इच्छा होती है, मुझे एक्शन लेनी पड़ेगी। होता क्या है कि मैं एक दो दिन एक्शन लेता हूँ और बाद में फिर वो फिसल जाता हूँ और फिर एक्शन लेना बंद करता हूँ। यदि उसमें हमने ऐसा किया कि भाई मैं सवेरे उठूंगा नहीं तो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा दिन भर, मतलब जो मेरी एक्शन है उसको पेन से यदि उसको जोड़ दिया, उसका कंडीशनिंग कर दिया पेन से, या फिर मैं सुबह उठूंगा, सुबह उठने के बाद में मैं अपने आप को शाबाशी दूंगा, या सुबह उठूंगा दौड़ूंगा और दौड़ने के बाद में जो मुझे अच्छा लगता है ना वो खाऊंगा, और वो भी न्यूट्रिशन जो होगा वो खाऊंगा। मतलब जो भी मुझे एक्शन लेने की है वो एक्शन को जोड़ दो, एक तो पेन के साथ में या प्लेजर के साथ में, उसको बोलते हैं अपरेंट कंडीशनिंग। और वो यदि हम अपरेंट कंडीशनिंग करते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, वो पढ़ाई को पढ़ाई कर बाद में तुझे ये मिलेगा, पढ़ाई नहीं करता है तो दुख होगा, तकलीफ होगी, पढ़ाई करेगा तो सुख मिलेगा, ऐसा हम कंडीशनिंग करते हैं तो एक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारी हर एक्शन जो है उसको कुछ ना कुछ दर्द से उसको जोड़ दो, या उसको प्लेजर से मतलब खुशी से उसको जोड़ दो,
तो एक्शन हमारी अच्छे अच्छे होते जाएंगे, फास्ट होते जाएंगे, और जैसे जैसे जितने एक्शन हमारी जल्दी जल्दी होते जाएंगे उतनी हमको सफलता मिलेगी। तो ऐसे कुछ सफलता के जो प्रिंसिपल होते साहब ने, नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारे बिलीफ्स, हमारा विश्वास। हमारा विश्वास क्या है? यदि मेरा विश्वास है कि मैं वो कर सकता हूँ तो मैं कर लूँगा, मेरा विश्वास है कि मैं कर नहीं सकता तो मैं करूँगा नहीं, मेरे मुझे संभव नहीं होगा। तो मेरा विश्वास क्या है, मतलब मैं कौन से बात के ऊपर बिलीफ रख देता हूँ, बिलीफ मतलब बिलीफ रखता हूँ। यदि मुझे ऐसा विश्वास है कि नहीं मेरे लिए बहुत आसान है तो वो आसान हो जाएगा, मैं बोलता हूँ मेरे लिए बहुत कठिन है तो वो कठिन हो जाएगा। तो वो हमारा विश्वास कैसा है उसके लिए मैं क्या विजुअलाइज करता हूँ। रोज मैं सुबह उठ के यदि विजुअलाइज करता हूँ, जो मेरी चाहत है उसको विजुअलाइज करता हूँ, जो मेरी चाहत है उसका पिक्चर सामने खड़ा करता हूँ, और जो मेरी चाहत है उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चालू कर देता हूँ, तो फिर वो विश्वास जो है वो मुझे सक्सेस दिलाते जाएगा। और दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताना है कि भाई आपका फोकस है क्या। जो भी चीज़ आपको फोकस यदि आपका नहीं है, कोई भी चीज़ के ऊपर आपको मिलेगा नहीं। एक चीज़ के ऊपर फोकस रख के पूरी ताकत उसके पीछे लगा दिया जो आपको चाहिए उसके पीछे, तो फिर वो डेफिनेटली चीज़ हासिल हो सकती है और वो आपको मिल सकता है। तो हमारा होता क्या है कि हम कुछ दिन एक के पीछे लगते हैं फिर वो छोड़ देंगे, फिर कुछ दिन एक के पीछे लगते हैं वो छोड़ देंगे, ऐसा ना करते हुए कितने कंसिस्टेंटली हम उसके पीछे लगते हैं, कितने कंटिन्यूसली उसके पीछे लगते हैं, चिपक के रहते हैं, और चिपक के रहने के बाद में एक्शन लेने के बाद में डेफिनेटली ये तो मिलेंगे, सफलता मिलेगी। तो हमारा फोकस एक जगह होना चाहिए, एक्शन हमारे ले रहे हैं और हमारा विश्वास उसके ऊपर है कि मैं नहीं मुझे ये संभव है, और उसको मैं कोई कंडीशनिंग के साथ मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग से उसको जोड़ देता हूँ, पेन प्लेजर प्रिंसिपल जो उसके साथ में मैं जोड़ देता हूँ, तो डेफिनेटली हमारे अंदर जो बहुत बड़ा राक्षस है, काय का राक्षस जायंट, जो बहुत बड़े ताकत हमारी जिसमें है वो खुल के बाहर आ जाएगा, और जो मुझे चाहिए लाइफ में वो पॉसिबल होगा। इससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा, खुशी मिलेगी, दिमाग को शांति मिलेगी, और मानसिक बीमारी से हम दूर रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हमारा लक्ष्य है व्यसन मुक्त भारत और हर एक को मानसिक स्वास्थ्य। हमारे यहाँ काफ़ी सारे मानसिक रुग्ण आते हैं जो रिश्तेदारों के साथ में उनको भर्ती करते हैं और रिश्तेदारों के अलावा भी भर्ती करके उनको इलाज उनका इलाज करके हम उनको अच्छा करके उनके गाँव में भेज देते हैं। आपके संबंधित ऐसे कुछ लोग होंगे तो उनको जरूर हमारे तरफ रेफर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर शेयर करो, और जो भी आपके अपने लाइफ में सफलता हासिल करना चाहते हैं उनको जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।